ये मेरा हाथ देख रहे हो, ये ब्लड लगा हुआ है। जो बंदा गिरा ना जैसे सरप्राइज हो जाएगी, किस टाइम पे आएगा। मुझे लगता मुझे डांट भी पड़ जाएगी। पार्टी वाली दिल्ली खा रही है, बस में बैठ गया। गाइस जिस हिसाब से जाम हुआ ना यहाँ से वहां तक, मजाक कर रहा हूँ भैया। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। सो आई होप गाइस सब यार अच्छे होंगे, अच्छे रहो। मैं काफी ज्यादा अच्छा हूँ। अभी सुबह के 10:30 हो रहे हैं और मैं एक्चुअली जाने लगा हूँ कॉलेज। आज मेरी एक ही क्लास है योग। तो यार एक और चीज, दिवाली आ रही है, कल परसों ना दिवाली। हाँ, और ये देखो पीछे शान दीदी कपड़े पर वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं शान दीदी, हाँ कपड़े सेट कर रही है शान दीदी। मैं अब जब कॉलेज से आऊँगा तो घर के जितने भी शीशे हैं ना वो सब मेरा काम है साफ करने के लिए। रणवीर टाइल साफ करेगा, नहीं रणवीर टाइल साफ करेगा, रणवीर सिर्फ सिर खाएगा। अच्छा ठीक है। एक मिनट मैं दिखा देता हूँ रणवीर को भी। हाय रणवीर, गुड मॉर्निंग। अब उठ जाना ठीक है भाई, टाइल ने बोला ना तूने साफ, मैं कर लूंगा बड़ी अच्छे तरीके से। अब करने टाइल साइड, टाइम 10:30 हो रहे हैं, मैं जा रहा हूँ कॉलेज। 1 बजे ट्यूशन जाना है, फिर कर दूँगा। वाह, तो तब तक क्या करेगा, बेला बैठा हुआ है। शीशे जा रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो शीशे मैं साफ कर दूंगा। अब शिवानी देख लेना कपड़े, चादरे पुरानी नई डालनी है गाइस आज हमें, सारा बड़ा कुछ है। हाँ सारा कुछ साफ करना है बस। तो अभी फिलहाल मैं रेडी हूँ और नीचे मैंने पजामा डाला हुआ देख लो। एक्चुअली यार मैंने कॉलेज में स्पोर्ट्स रख लिया था तभी, इसलिए मैं पजामा डाल के जा रहा हूँ कि भाई पजामा डाल के जाएंगे आराम से। स्पोर्ट्स रख लिया मैंने इसलिए। गाइस यार इतनी ज्यादा धूप हो रही है ना इस टाइम, कसम से ऐसे ना बर्दाश्त नहीं हो रही मेरे से धूप। गाइस यार अभी जस्ट क्लास लगाई है यार मैंने। और भाई क्या चला है, अभी जस्ट यार क्लास लगाई है, एक ही थी वो लगा ली, अभी देखते हैं बाद में जाएंगे। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि ना बुआ जी के घर पे जाता हूँ, क्योंकि छुट्टियाँ बढ़ रही हैं ना, तो बुआ जी के घर पे जाता हूँ आज, देखता हूँ। अब बनना प्लान तो चले जाऊँगा। गाइस यार अभी फिलहाल ना घर पे जा रहे हैं। सिंगल यार एक क्लास लगी मेरी यार, ये क्या हो रहा है यार, समझ नहीं आ रहा है। ये भी आए थे क्लास लगाने के लिए, इनकी भी एक एक ही लगी। अभी फिलहाल घर पे जा रहे हैं। नहीं नहीं भाई नहीं चाहिए, अभी घर पे जाना, अब क्लास थोड़ी चाहिए मेरे को। तो भाई ध्यान से जाइयो ठीक है, ओके। अच्छा हैप्पी दिवाली, अब छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं एक हफ्ते के लिए, ठीक है। गाइस यार एक चीज सुनाऊं आपको, क्या हुआ है एक्चुअली, देखो मैं रेडी हूँ जाने के लिए, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा रेडी हूँ, क्योंकि कल गुन्ना का बर्थडे है ना। अभी मैं फिलहाल घर पे था, भैया को थोड़ा सा काम था मेरे फोन पे ही उनको, तो मैंने उनको फोन दे दिया, कह रहे को 1 घंटा लग सकता है कुछ, मैं कर रहे थे कुछ उनका था कुछ सेटिंग का कुछ, उन्होंने भी आईफोन लिया, उन्होंने कुछ करना था तो कह रहे जरूरत है आईफोन की, मैं कोई नहीं भैया रखो आप, इधर ही था। तो यार अभी मैं घर पे चला गया था जब कॉलेज से छुट्टी हुई, तो अभी टाइम पता क्या हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 5:09। तो अभी मैं घर से आ रहा था वापस, मैंने लिफ्ट ही ली थी अंकल से, ठीक है, फ़ोन यहाँ पे भैया के पास ही, अभी आके फ़ोन लिया। और यार आपको एक चीज़ बताऊँ यार, जब मैं आ रहा था ना आते समय बंदे का हो गया एक्सीडेंट हमारे आगे, तो यार हेलमेट इतनी सेफ है ना, मैंने देख लिया, मेरा हाथ देख रहे हो ये ब्लड लगा हुआ है, क्योंकि जब बंदा गिरा ना उस गिरते मैंने भैया को बोला रोको रोको, ऐसे आगे गिर गए यार फेस पे, उनको जब मैंने बैक साइड उनको घुमाया वो यहाँ से खून निकल रहा था इतना ज़्यादा कि मैंने ऐसे करके पहले हाथ रख लिया। भाई हेलमेट बड़ी ज़रूरी है क्या, इस हेलमेट के लिए यार वो नॉर्मल कोई होता कि जोर से एक्सीडेंट हुआ ना, नॉर्मल बंदा गिर रहा है और गिरते इतना लग गई है ना उनको, मैं तो कह रहा हूँ भाई हेलमेट लगाओ भाई, जो मैंने खुद देखा ना अपनी आंखों से, भाई मैं डर गया यार। अभी तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ जम्मू बुआ जी के घर पे, क्योंकि कल गुन्ना का बर्थडे है इसलिए यार, तुम्हें यार मैंने क्या, बट चलो कोई नहीं निकलते हैं। गाइस यार पूरी बस खाली है इस टाइम पे यार, और आज तक मैं कभी इतनी लेट ना गया नहीं बू जी जी के घर पे, और यार उनके लिए जैसे सरप्राइज हो जाएगी, किस टाइम पे आया, मुझे लगता मुझे डांट भी पड़ जाएगी, वो देखेंगे तब। गाइस यार बस देखो भाई, पार्टी वाली फीलिंग आ रही है बस में बैठ के ना, ये और सामने क्या लिखा है, नो स्मोकिंग। भाई बड़ी सही होगी बस 2 मिनट में, सिंपल चल रही थी ऐसे, लाइट होगी यार, चेक करो यार, बड़े टाइम बड़ा लगा रहे। गाइस यार अभी ना 6:07 हो रहे हैं और मैं अभी ना यहाँ पे एयरपोर्ट, यार कब मैं पहुँचूंगा जी, यार मेरे को ये समझ नहीं आ रही यार, इतना लेट किया ना आज इन्होंने, इतना ज्यादा लेट बस वालों ने, क्या बताऊँ यार। गाइस यार अंधेरा देखो होने लगा है, हो गया हो ही गया अंधेरा, इतना लेट हो गया हूँ कसम से, मुझे बड़ी डांट पड़ेगी सच्ची में बड़ी ज्यादा। वो मेटाडोर्स हैं
इस पे बैठ के पुल पार जाऊंगा, वहां से फिर पकड़ लूंगा मुट्ठी की मेटाडोर। गाइस यार जीवल चेक आउट करो, कितना ज्यादा रश हो चुका है। शाम को भी रश हो जाता है यार, क्योंकि जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वापिस आ रहे होते हैं इस टाइम पे। तो यार इतना सही व्यू आ रहा था ना वहाँ का, बावे वाली माता का, यार मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि रश भी बड़ा था मेटाडोर में। बट कोई नहीं, दिखा दूंगा जिस दिन मैं जाऊँगा ना वापिस, उस दिन मैं दिखा दूंगा। अभी है मेटाडोर से। हाँ भाई गाइस यार रश चेक करो आगे, कितना ज्यादा लग चुका है वो। गाइस जिस हिसाब से जाम हुआ ना यहाँ से लेकर वहां तक, ये मेटाडोर कब निकलेगी? मैं पैदल जा रहा हूँ आगे तक, आगे से मैं खुद ही देख लूंगा भाई ये कब हिले यहाँ से। यार इससे अच्छा मैं खुद पैदल आगे तक पहुंच जाऊँ और अपने फ्रेंड को कॉल करूँ। यार अरे मैं उसको कॉल करता हूँ, मैं कह रहा हूँ फ्लाईओवर तक आ जा अगर वो आ सकता है, नहीं तो आगे भी देखेंगे किसी और मेटाडोर में बैठ जाएंगे। गाइस मुझे टोल लिया कोई 30 सेकंड लगे होंगे वहां से यहाँ तक आने में, उनको वहां पे 1 घंटा लग जाना था। अब आ गया फ्लाईओवर, मैं उस साइड चले जाता हूँ और वहां से बाइक पे चले जाऊंगा। यार ये हो क्या गया आज यहाँ पे, जो भी खिचड़ी पकी है ना इसी चौक पे पकी है। ये देखो यहाँ पे सामने आके ट्रैफिक पुलिस वाले, यहाँ से पकी है जितनी खिचड़ी पकी है ये देखो। क्योंकि यहाँ पे रोक रहे हैं, यहाँ पे चेकिंग बने क्या है। अब मैं यहाँ से निकल जाऊंगा आगे, रोड क्रॉस करना है मेरे को बस वो फ्लाइंग ओवर आगे, उधर ही बड़ा रश है यार। यार गाइस यहाँ पे कुछ अलग ही सीन चल रहा है यार, वो वहां से जा रहे हैं यहाँ से, देखता हूँ यार यहाँ से जाऊंगा आगे। हाय वे गाइस यार निखिल आ चुका है, बट यार निखिल ये क्या किया हुआ है? और सुना निखिल क्या चल है, तेरी हेलमेट कहाँ पे? यार ये तूने गलत किया यार, भाई यार हेलमेट डाल के आनी चाहिए थी। यहाँ से निकल यार, वहां से निकला ट्रैफिक पुलिस वाले समझा कर। राम राम से चलना ठीक है, राम राम से। हाँ यहाँ से चलिए ठीक है, साइड से निकलते हैं। गाइस पेट्रोल डलवाने आ चुके हैं, अभी इतनी धीरे धीरे चला रहा है, मेरे को इतनी ठंड लग रही है ना कसम से भाई। आज ये तो कुछ एक तो दिवाली है ठीक है, और ऊपर से क्या है तो यार भाई बड़ा रश था अभी तक जहाँ वहाँ पे लगा। इसको फिर निखिल को मैंने ऐसे कॉल किया, मैं निखिल इतना रश क्यों है? कहता दिवाली में नहीं यार, यहाँ पे और भी कुछ है। निखिल आ गया, कहता तू वहाँ से निकल, वहाँ से मैं जीवल से आया आगे पामा लैंड तक, वहाँ से निखिल आ गया, अभी इसके साथ ही जा रहा हूँ घर पे। ऐसे काफ़ी लेट हो गई यार। किसकी फोटो? ठीक है ठीक है, फोटो डाल तू, पेट्रोल थोड़ा सस्ता कर दूँ माली। मजाक कर रहा हूँ भैया, आप ऐसे सीरियस ले गई। यार ये देखो 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 ऐसे सारे देखो ट्रक रोके हुए हैं यहाँ पे। यार पहले ऐसे तो होता नहीं था ना निखिल, ये तो ऐसे लगता कटरा में रोके हुए हैं ट्रक। दिवाली चेकिंग हो रही है, चेकिंग हो रही है। ऐसे ही मेरा स्कूल यार, आई मिस दिस स्कूल। 2 साल ही पढ़े थे वैसे। वो भी घर पे, हाँ वो भी घर पे पढ़े, हम स्कूल कम ही गए थे। गाइस पहुंच चुके हैं यार घर पे, और सरप्राइज है घर वालों को तो पता नहीं। अच्छा निकले और भाई हेलमेट अगर प्लीज यार मान लिया ठीक है, चल ठीक है भाई कल मिलते हैं ठीक है। ओके चलो गाइस सरप्राइज देने का टाइम आ गया। हाय क्या हाल चाल है? निखिल है। हाय बुआ जी क्या हाल चाल है? चरण वंदना और सुनाओ क्या बन रहा है मेरे लिए? ए बुई मैं खाता ही नहीं यार, ब्रेड ऑमलेट बन रहा है घर पे। ना ना ना, ना। दूध दे देना मेरे को ठीक है। हाँ दादी जी चरण वंदना और सुनाओ क्या हाल चाल है? बस और सुनाओ सुनाओ मंदा मंदा लगता है मी। गाइस यार ये देखो शांति दी यार, यार मैं दीदी यार वीडियो में छोटा लग रहा था, काफी बड़ा है यार ये तो। यो गाइस यार मोहल्ले में आया था यार ये लड़का, मेरे ब्लॉग देखता है मेरे मोहल्ले का यार। और क्या हाल चाल है, मिस किया मेरे को? एक्चुअली यार इनको थोड़ा सोफा ऊपर लेके जाना था तो तब मैं बाहर आया था, बट मैंने साहिल को कर दिया कॉल, मैं जल्दी जल्दी उससे मिल लेता हूँ। मैं अभी ऐसे ना रहा नहीं जा रहा था मेरे से, मैं साहिल आ यार थोड़ा सा काम है, वो वहाँ से आएगा, वो सामने वहाँ से आएगा। गाइस आ गया साहिल। साहिल भाई क्या हाल है? तेरी दाढ़ी यार तू ना गलत टाइम पे आया, तेरी जरूरत नहीं यहाँ पे ठीक है ना। गाइस यार चलो अपना चैनल ना चेक आउट करते हैं, इसमें काफी दिनों के बाद वो आ गया हमारा चैनल। भाई क्वालिटी कितनी अच्छी आ रही है। गाइस यार फिलहाल खाना खाते हैं, खाना आ चुका है ठीक है, साग बना हुआ है। बुआ जी टोटे कब बना रहे हो? अच्छा अभी आटा ही नहीं है ठीक है। बुआ जी ना टोटे इतने अच्छे बनाते हैं ना कसम से, मेरे को अभी मैं घर पे मिस कर रहा। जितनी मैंने बोला था ना कब हमारे घर पे टोटे बनेंगे यार, मैं तब मिस कर रहा हूँ। मैं यहाँ बुआ जी
बुआ जी ना टोडे बड़े अच्छे बनाते, फिर खा लेते हैं। और सामने देखो कौन सी फिल्म लगी है यार, कमेंट करके बता दो यार प्लीज आज, ये कौन सी फिल्म है थोड़ी सी देख लो यार। मजनू भाई कमेंट तो बनता है फिर, नाम बोला मजनू भाई, फिल्म का नाम नहीं बोला भाई, कमेंट कर दो फिर आज। गाइस यार अभी रात के ना 10:53 हो रहे हैं ठीक है, तो मैं आज कॉल ऑफ फिलहाल यहीं पेंड कर रहा हूँ। और एक और चीज़ कि यार आपने ब्लॉग में पीछे देखा होगा कि रणवीर ने मेरे मुंह में वो खाने का टुकड़ा डाला था खाने के लिए गर्म गर्म। उससे पहले मैं अभी ब्लॉग एडिटिंग कर रहा था, मैंने देखा रणवीर ने भी खाया था, जब हम उसे पूछ रहे थे ना क्या हुआ तो उसको भी गर्म लगा था, बट उसने खुद छोटा बाइट लेके रखा था और मेरे में वो इतना बड़ा डाल दिया उसने मुँह में, तो उसको भी गर्म लगा है ये, तो उसने बोला ही नहीं भाई मेरे को गर्म लगा तो मैंने निकाल दिया बाहर, बट उसने निकालना ही नहीं यार, मैं सोचूं कैसे पागल है वो। बट आज का वाला मैं फिलहाल यहीं पेंड करूँ, आई होप ऐसा सबको यार अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट एंड गुड बाय।